चलिए देखिए जी, इसका अगला यूज़ समझ लेते हैं हम। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊँगा दिस दिस टेस्ट 3 के नाम से बनाऊँगा, ठीक है। तीसरा यूज मैं बताने जा रहा हूँ दिस कीवर्ड का, डॉट जावा से सेव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मेन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक होगा ना PUBLIC, स्टैटिक वर्ड में। और अब मैं क्या करूँगा, दिस का जो अगला यूज बताऊँगा, देखिए बहुत यूजेस बहुत सारे हैं इसके, अगर आप बिगनर हो फ्रेशर हो तो आप एक ही यूज आपके लिए काफ़ी है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको नेविगेट करके समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो मान लीजिए एक मेथड है शो, इसी क्लास में रहने देते हैं, एक ही क्लास में इसको बना लेते हैं। एक दूसरा मेथड है डिस्प्ले, दो मेथड हमारे पास हो गए, ठीक है, दो मेथड हो गए, एक शो और एक डिस्प्ले। तो मान लीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई शो मेथड, ठीक है, सो यहाँ पे प्रिंट कर लिया, और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले को प्रिंट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले और शो मेथड को कॉल करना, ठीक। तो नॉन स्टैटिक मेथड हैं तो ऑब्जेक्ट बन के ही कॉल होंगे, तो मैंने लिख दिया न्यू टेस्ट डॉट शो, ठीक है, कॉल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिंपल सा मेथड है जावा सी दिस टेस्ट, ये हो गया हमारा दिस टेस्ट 3, यस, कंपाइल हो गया और ये रन हो जाएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि अब डिस्प्ले भी चल जाए, सो तो चल ही गया, कैसे चला सकते हैं बताइए, ऐसे दूसरा ऑब्जेक्ट बना देना और यहाँ लिख देंगे डिस्प्ले, ठीक है, तो ये कॉल हो जाएगा, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको दो बार ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, बार बार ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, आपको एक ही ऑब्जेक्ट पे इसे चलाना है। अब आप कहोगे कि सर आप एक काम करो, इसका रेफरेंस वेरिएबल बना लो, यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बना लो और इस पे आप एक बार लिख दो टी डॉट शो और एक बार लिख दो टी डॉट डिस्प्ले, ऐसे तो हो सकता है, बोलिए, तो ये हो सकता है, लेकिन उस केस में आपने रेफरेंस वेरिएबल बना लिया ना। मैं चाहता हूँ कि नहीं, आप एनोनिमस ऑब्जेक्ट ही बनाओ और एक बार शो कॉल कर लो और उसी पे डॉट लगा के डिस्प्ले चला लो, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो नहीं पॉसिबल है उसी को तो हमें पॉसिबल करना है यहाँ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन है कि एक ही लाइन में हमें शो और डिस्प्ले दोनों मेथड को चलाना है, एक ही लाइन मेथड पे मेथड चलाना है, मेथड ओवरलोडिंग नहीं, ओवरलोडिंग नहीं, मेथड पे मेथड चलाना है, मेथड ओवरलोडिंग अलग चीज़ है, बताइए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, करना क्या है, करना है एक मेथड पे। अब अच्छा, ये क्यों कॉल नहीं हो पाया पहले ये समझ, अगर हमने कॉल किया तो ये कि एरर क्यों आया, क्या एरर आया जरा देखो, एरर आ रहा है वाइड कैन नॉट बी डी रेफरेंस्ड, मतलब क्या मतलब हुआ, क्यों नहीं कॉल हो पा रहा है, इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न मैं बताता हूँ क्या हुआ। देखो होता क्या है कि जब किसी क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, जैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, तो ऑब्जेक्ट बनते ही कंसीडर कॉल होता है, ये तो क्लियर है। और आपको अगर क्लियर नहीं है तो मैं ये बता दूँ कि हर कंस्ट्रक्टर का जो रिटर्न टाइप होता है वो कुछ ना कुछ होता है, आपको ये बात पता है, जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा ये कंसीडर कॉल होगा, बट हर ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न करता है, हर ऑब्जेक्ट का कंसेप्टर कुछ रिटर्न करता है, और वो पता है क्या रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न में क्या लिखा होता है, यहाँ पे रिटर्न में लिखा होता है दिस। अगर ऐसा नहीं होता, ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं होता
तो मुझे एक बात बताओ कि जब न्यू करके आप यहाँ दिस लिखते हो, मतलब ऑब्जेक्ट बनाते हो और डॉट करके सो कॉल कर रहे हो, तो हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? अगर डिस्प्ले को मैं 1 मिनट के लिए कमेंट करूँ तो 1 मैसेज तो कॉल हो ही जा रहा है ना, तो क्यों हो जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न करता है, और रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी। वो रेफरेंस आईडी जो रिटर्न होके आती है, वो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी ऐसे रिटर्न होके आती है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए बताओ, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जो चीज़ मैंने हाईलाइट किया है, एक कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्लास टाइप का कर दिया। कहते हैं कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता है, इम्प्लिसिटली होता है, वो भी क्लास टाइप का होता है। और वो रिटर्न क्या करता है? किसी क्लास की रेफरेंस आईडी किस फॉर्म में रिटर्न करता है? दिस के फॉर्म में। ये देख सकते हो आप, हर कंस्ट्रक्टर के साथ ये लॉजिक होता है। तभी तो वो रेफरेंस आईडी जब रिटर्न होती है यहाँ से, तो उस रेफरेंस आईडी को हम दे नहीं सकते इम्प्लिसिटली, सॉरी एक्सप्लिसिटली, बट इम्प्लिसिटली होता है। अगर होता नहीं तो फिर ये कैसे ये मेथड चल गया? शो कंस्ट्रक्टर भी चल गया, मेथड भी चल गया, क्योंकि वो रेफरेंस आईडी रिटर्न होके आई, उस आईडी पे आपने शो को कॉल कर लिया। बट जब शो मेथड की अगर हम बात करें, तो शो मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? वाइड। तो वाइड इसका रिटर्न टाइप है, और वाइड के ऊपर डिस्प्ले को कॉल कर रहे हो, तो इसलिए इसने क्या बोल दिया? वाइड कैन नॉट बी डी रेफरेंस्ड। मतलब ये कंसेप्टर ने कुछ रिटर्न करा, रेफर करा, वो शो के पास पहुंच गया, बट शो का तो रिटर्न टाइप कुछ था नहीं ना। तो जब शो का रिटर्न टाइप ही नहीं था, तो इसलिए वाइड कैन नॉट बी डी रेफरेंस्ड। अब बात समझ आई? तो वाइड डी रेफर नहीं कर सकता, डी रेफर किसी को नहीं कर सकता। अगर आपको डी रेफर कराना है, तो आप अपने मेथड का रिटर्न टाइप क्लास टाइप का कर दो, और यहाँ से रिटर्न करा दो दिस। ऑब्जेक्ट तो सेम ही होगा कि बदल जाएगा? दिस में तो सेम ही ऑब्जेक्ट होता है ना, तो नया ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं हमने, वही ऑब्जेक्ट को फिर से दिस के फॉर्म में रिटर्न करा दिया। वो रिटर्न होके कहाँ पहुँच गया? डिस्प्ले के पास। तो अब क्या हो जाएगा? अब ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा और रन हो जाएगा। अब तो हैंड्स प्रूफ हो गया कि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्लास टाइप का होता है। अगर कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्लास टाइप का होता नहीं, और वहाँ से जिस रिटर्न नहीं होता, तो शो कैसे कॉल होता? अब शो का रिटर्न टाइप हमने खुद दे दिया क्लास टाइप का करके, और वहाँ से रिटर्न करा दिया दिस, और दिस का यूज करके हमने दूसरे मेथड को चला दिया। तो यानी कि हम मेथड के ऊपर मेथड को चला सकते हैं, और मेथड के ऊपर मेथड को चलाना मेथड चेनिंग कहलाता है। कॉलिंग अ मेथड ऑन अनदर मेथड, दैट इज कॉल्ड मेथड चेनिंग। और मेथड चेनिंग के केस में दिस का यहाँ पे यूज है, कि दिस कीवर्ड को एज अ मेथड का रिटर्न टाइप करा जा सकता है, एज अ मेथड का रिटर्न टाइप लिखा जा सकता है। दिस कीवर्ड कैन ऑल्सो बी यूज एज अ मेथड रिटर्न टाइप, इट इज यूज टू रेफर द करेंट ऑब्जेक्ट। दिस से करंट क्लास की ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी आ गई। अब अगर सपोज करो कि यहाँ पे एक मेथड होता और जिसका नाम होता हाई। अब हाई मेथड मैं चलाना चाहता हूँ, तो हाई मेथड यहाँ पे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा, मतलब इसका नाम करना पड़ेगा ना, क्लास का सेम। कहाँ से कहाँ पे करना पड़ेगा? यहाँ पर वर्ड हटा गया, सॉरी, किस जगह वाइड हटाऊँ? हाई 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 आपने बनाया मेथड, हाई के आगे रिटर्न टाइप करूँ? अरे रिटर्न टाइप किससे कराना है? डिस्प्ले से कराना है ना, तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या कर दोगे? क्लास टाइप का। और यहाँ से क्लास टाइप करोगे तो रेफरेंस आईडी रिटर्न कराना पड़ेगा। न्यू करके भी कर सकते हो, न्यू करके करोगे, यहाँ न्यू करके क्या कर लो, लिख दो न्यू, ये इसे पता क्या हो जाएगा? नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमें नया ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए ना, हमें रिटर्न कराना है क्या? दिस। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट भी बना के रिटर्न करा देते थे। अब देखो ये, क्योंकि उसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा है। तो दिस कीवर्ड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ मेथड चेनिंग इन केस ऑफ मेथड चेनिंग। मेथड चेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कॉलिंग अ मेथड ऑन अनदर मेथड ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल मल्टीपल मेथड्स। एक ही ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल मेथड चला सकते हो। कॉलिंग अ मल्टीपल मेथड ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मेथड चेनिंग। मेथड चेनिंग क्लियर हो गया? और यहाँ पे जिसका क्या रोल है, क्लियर हो गया? तो देखो, दिस दिस में ऑब्जेक्ट ही और कुछ है तो नहीं। उस ऑब्जेक्ट को कितने तरह से यूज कर रहे हैं? इतने तरह से, जितने मर्जी उतने तरह से यूज कर सकते हैं। ये कितने यूजेस हो गए हमारे? 3 यूजेस हो गए।
कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, अगला यूज हम इसका आप सीखने जा रहे हैं सर, कौन सा सबसे अच्छा रहेगा मतलब करना क्या।